बिलासपुर जिले के बंदला के समीप गांव कोक के लोगों को बरसी में जाना तब महंगा पड़ गया जब खाना खाने के कुछ घंटों बाद एकाएक 70 लोगों की तबीयत खराब होने लगी और उन्हें उल्टियां दस्त लग गए। वहीं इन मरीजों में महिला व बच्चे शामिल हैं। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है और मरीजों को बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गसोड़ में भर्ती करवाया गया है। वहीं स्थानीय मरीजों का कहना है कि कोक गांव के रहने वाले रविंद्र कुमार की मृत्यु एक साल पहले हुई थी, जिसकी बरसी पर वे खाना खाने गए थे। वहीं खाने के लगभग 10 से 12 घंटों के बाद उन्हें उल्टी दस्त लग गई। वहीं प्राइवेट अस्पताल में चेकअप के बाद भी जब उल्टी दस्त बंद नहीं हुए तब वे क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर पहुंचे। वहीं बिलासपुर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश का कहना है कि सभी मामले फूड पॉइजनिंग से संबंधित थे, जिनका उपचार चल रहा है। फिलहाल सभी मरीजों की हालत सामान्य बनी हुई है। ग्यारह लोगों का मौके पर ही उपचार किया गया और उनमें से कुछ लोग आ रहे थे बिलासपुर आए, उनकी देखभाल की और उनका मुआयना किया गया एमएस के साथ मिलकर, और कुछ लोग मारकंड के उनका मुआयना एमएस ने वहाँ मारकंड जाके किया और सभी लोगों को इस बीमारी के बारे में आईसी की गई और सभी को ट्रीटमेंट की गई और सभी जो लोग हैं स्टेबल हैं। दक्षिण भारत में पैदा होने वाली कॉफी की फसल अब हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में भी लहरा रही है, जहां पर हिमाचल प्रदेश के किसान बंदरों जंगली जानवरों के नुकसान के कारण खेतीबाड़ी छोड़ चुके हैं। करीब 65% प्रदेश की भूमि बंजर हो चुकी है। जंगली जानवर व आवारा पशुओं के कहर से प्रदेश के किसान बेहाल हैं। उनके पास सिवाय पारंपरिक कृषि के अलावा कोई आय को बढ़ाने का विकल्प भी नहीं है। अगर आज की परिस्थिति पर नजर डालें तो पिछले कई वर्षों से प्रदेश सरकारों ने केवल एक योजनाओं पर ही काम किया। धरातल पर कोई भी योजना किसानों की मदद नहीं कर पाई, जिसके कारण आज प्रदेश के किसान कृषि बागवानी छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। उनके लिए कॉफी की फसल वरदान सिद्ध हो रही है। जिला बिलासपुर के घुमारवी उपमंडल की पंचायत मराहना के गांव मजोटी के रहने वाले डॉक्टर विक्रम शर्मा ने अपने घर में कॉफी का उत्पादन कर दूसरों के लिए मशाल और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं। डॉक्टर शर्मा ने खुद कॉफी के पौधों को उगाने के साथ हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के किसानों के लिए मुफ्त में पौधे बांटकर किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने का बीड़ा उठाया है और आज क्षेत्र के विभिन्न किसानों ने उत्पादन शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक व पर्यावरण परिस्थितियों को देखते हुए पिछले 17 वर्षों से वाणिज्यिक कृषि बागवानी के शोध व प्रसार में लगे डॉक्टर विक्रम शर्मा ने बताया कि अब उन्होंने प्रदेश की बंजर भूमि को युवाओं की समृद्धि से जोड़ने का बीड़ा उठा लिया है। डॉक्टर विक्रम ने कहा कि उन्होंने 17 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्रों में कॉफी जैसे अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक फसल का सफल ट्रायल भी किया था, जिसके लिए भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने उन्हें कॉफी वर्ल्ड के निदेशक मंडल में पहली बार उत्तरी भारत से प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। परंतु इसके बावजूद पिछली कांग्रेस की सरकार ने कॉफी जैसी महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसल पर ध्यान देना उचित नहीं समझा। सूरत में हुए अग्निकांड के बाद हमीरपुर में भी कोचिंग सेंटरों के हालात एचडी चैनल पर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया है। वहीं चैनल पर खबर दिए जाने के बाद कोचिंग सेंटर मालिकों की नींद हराम हो गई है। मंगलवार को अग्निशमन विभाग के द्वारा शहर के कुछ कोचिंग सेंटरों का औचक निरीक्षण किया गया और कोचिंग सेंटरों में तमाम सुविधाओं का जायजा लिया गया। जिला फायर अधिकारी राजेंद्र सिंह चौधरी की अगुवाई में टीम ने कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया है और हिदायतें दी हैं कि
जल्द आपात स्थिति से निपटने के लिए व्यवस्था की जाए, नहीं तो इन कोचिंग सेंटरों पर कानून सख्त कार्रवाई अमल में लाएगा। आपको बता दें कि शिक्षा हब बने हमीरपुर शहर में जगह जगह पर कोचिंग सेंटरों में आपात स्थिति से बचने के लिए कोई भी सुविधाएं नहीं है और ऐसे में ऐसे सेंटर हर वक्त दुर्घटनाओं को न्योता देते नजर आ रहे हैं। हमीरपुर के अग्निशमन विभाग बढ़ती गर्मी को देखते हुए आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। हमीरपुर के हथलीखट स्थित अग्निशमन कार्यालय हर समय आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए पूर्ण तरह से तैयार रहता है, जिसके चलते ही जिला में जनवरी से लेकर अब तक 22 करोड़ की निजी व सरकारी संपत्ति को जलने से अग्निशमन विभाग ने बचाया है। हमीरपुर जिला में आगजनी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है और जनवरी से लेकर अब तक जिला में आगजनी घटनाओं से करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर राख हुई है। आपको बता दें कि हमीरपुर अग्निशमन कार्यालय के पास 20 से 25 किलोमीटर का दायरा आता है और विभागीय कर्मचारियों की मुस्तैदी के चलते जिला में आगजनी की घटनाओं पर समय पर काबू पाया जा रहा है, जिस कारण जानी नुकसान अब तक नहीं हो सका है। जिला फायर अधिकारी राजेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि हमीरपुर में आगजनी से 65,70,000 की संपत्ति जलकर राख हुई है, तो वहीं अग्निशमन विभाग द्वारा करीब 22 करोड़ की सरकारी व निजी संपत्ति को जलने से बचाया है। जिला में अब तक 44 केस आगजनी के अग्निशमन विभाग के पास दर्ज हुए हैं, जिनमें से 40 आगजनी की घटना के थे और 4 केस रेस्क्यू के थे। इन चीजों को जो है वो बिल्कुल अपनी प्रोसेसिंग में करें। अब अगर इनको अपनी आंख से ओझल होने दिया तो ये कभी भी कुछ भी हवा चली थी थोड़ा सा कहीं चिंगारी के भी जा सकती है। आजकल जो है हर चीज जो है सूखी हुई है, तापमान पहले बहुत ज्यादा है, तो थोड़ी मारी सी चिंगारी जो है वो विकराल रूप ले सकती है। LPG के सिलेंडर को यूज करने के बाद तुरंत बंद करें। जितने भी हमारे बिजली के उपकरण हैं उनके खुली तारें ना हो, नंगे ज्वाइंट ना हो, और कहीं मतलब एक्सटेंशन भी उतनी कर की जाए जितनी हमारे पास है उसकी उसका लोड का कैपेसिटी हो। अदरवाइज की एक बार क्या करते हैं कि हम एक प्लग से चार चार जगह कहीं फंक्शनों में ले लेते हैं, कोई फंक्शन चला हो तो उसमें भी ऐसे कर लेते हैं, तो उस चीज़ से जो है ओवरलोडिंग से बचें और समय रूम के उपकरणों की जाँच करें और ज्वलनशील पदार्थों से बच्चों से उनको दूर रखें और उनका स्टोरेज भी कोई उचित स्थान पर दें ताकि किसी तरह कोई इंसिडेंट हो तो उससे हम आसानी से वहाँ से रिमूव करके अधिक ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान को उनसे बचाया जा सके।